हेलो बच्चों, सो आई होप आप सब लोग बहुत बहुत बढ़िया है। तो हम लोग आज माइक्रोबायोलॉजी लेक्चर्स को कंटिन्यूएशन में करेंगे, आगे जानेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो हमने नहीं जानी अब तक उसके बारे में जानेंगे। और उससे पहले के जो लेक्चर्स हैं हमने काफ़ी कुछ चीज़ें जान ली हैं, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर किस तरीके से है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल ऑर्गेनिस क्या होते हैं, ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमको नहीं पता थी वो हम लोगों ने जानी है, राइट। और साथ साथ ही हम लोग कॉरिलेट कर रहे हैं क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में आ रहे हैं कि किस तरीके से क्रैक करना है, ट्रिक्स लगा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली समझ रहे हैं। तो आई रिपीट, प्रैक्टिकली चीज़ों को समझना है, हटके सोचना है और बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व जो चारों तरफ है, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, राइट, ये जो मेरा हाथ हिल रहा है ये सब ऑब्जर्वेशन है, तो हमको इस तरीके से सोचना है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारी स्लाइड्स हम लोगों ने डिस्कस कर ली, हम लोग बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर ही है जो कवर कर रहे हैं। और यहाँ पे आप लोग हमने चलिए रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या जाना, कि बैक्टीरिया की जो पूंछ होती है जिसे आप फ्लैजिला बोलते हैं, फ्लैजिला भी अलग 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 तरीके के होते हैं। अब तक हम ये जानते थे कि भाई फ्लैजिला होता है ऐसा होता है, पूंछ जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट। लेकिन अब हम क्या जान रहे हैं कि पूंछ भी बहुत सारी तरीके की होती है, जैसे पेरिट्राइकस हो गया, एम्पीट्राइकस हो गया, लोफोट्राइकस हो गया, मोनोट्राइकस हो गया। एंड आई होप आप क्रैक अब खुद कर सकते हैं टर्मिनोलॉजीज को, जैसे कि मैं हमेशा से ही कहती आ रही हूं कि टर्म्स को क्रैक करना है, राइट। तो दोबारा से मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पे जो ये जो डायग्राम दिया हुआ है, ठीक, ये फ्लैजिला का दिया हुआ है, बैक्टीरिया जिनके अलग अलग फ्लैजिला होते वो दिया हुआ है। इनके एग्जाम्पल्स मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट आ ही रहे, ये पार्ट ए में अधिकतर आते हैं, एक नंबर वाले आते हैं ये। ओके, तो इनके एग्जाम्पल्स आप लोग कर लीजिएगा। और कुछ लेटेस्ट अगर चल रहा है, कुछ लेटेस्ट ऐसे बैक्टीरिया प्रूव हुए हैं, कुछ एडवांस चल रहा है, तो चार कदम आप लोग आगे चलिएगा, एक्स्ट्रा करना है बिना स्ट्रेस के, राइट। अपडेटेड नॉलेज होनी चाहिए, राइट। तो इनके एग्जाम्पल जैसे मोनोट्राइकस बैक्टीरियम का एग्जाम्पल क्या होता है, एम्फीट्राइकस बैक्टीरियम का एग्जाम्पल क्या होता है, इनके एग्जाम्पल्स आप लोग देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहां पे भी हम लोगों ने जाना था कि भाई फ्लैजिला क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में अलग होते हैं, यूकैरियोट्स में अलग होते हैं। मैंने आप लोगों को एक टास्क भी दिया था कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एंड आई होप आप लोग जान गए होंगे डिफरेंसेस। प्रोकैरियोट्स में ये चार चीजें हैं या पांच चीजें हैं, यूकैरियोट्स में ये चार चीजें हैं, पांच चीजें हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में राइट हैंड पे जो स्लाइड दिख रही है इस पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये भी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे थे भाई कि ये क्या है। ओके, सो फिम्ब्रिए क्या है, पिलस क्या है, पिलस किस में पार्टिसिपेट करता है, तो देख के हम लोग बता सकते हैं ना कि फिम्ब्रिए जो बैक्टीरिया के अंदर होते हैं, जो बाल बाल जैसे स्ट्रक्चर्स है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, इनका क्या फंक्शन है, पिलस का क्या फंक्शन है, देख के नहीं पता लग रहा आप लोगों को, राइट। तो देख के पता लग रहा है कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं पिलस या पिलाई, दो बैक्टीरिया है वो मिल रहे हैं तो क्या हो रहा है आपस में, कॉन्जुगेशन हो रहा है ना। कॉन्जुगेशन से क्या मतलब है, चिपक रहे हैं, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो कॉन्जुगेशन, राइट, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और यहाँ पे फिम्ब्री है, बाल बाल जैसे स्ट्रक्चर है जिनको हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस मतलब बाहर निकला हुआ कुछ, राइट, प्रोजेक्शंस कहलाते हैं। तो कहीं अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, चलिए बिल्कुल कॉमन सेंस लगाते हैं, तो ह्यूमन बींग्स में क्या फिम्ब्रिया वगैरह जैसे कोई स्ट्रक्चर्स कहीं पाए जाते किसी ऑर्गन में, तो बाल जहां पे आ रहे हैं, बालों का क्या फंक्शन होता है अगर बिल्कुल ही प्रैक्टिकली हम लोग सोचे तो क्या फंक्शन है बताइए। तो यहाँ पे भी ये जो फिंगर, ये जो बाल जैसे स्ट्रक्चर, फिंगर जैसे स्ट्रक्चर है ना, बाल ही है बेसिकली, इनका क्या फंक्शन होना चाहिए। तो काफी कुछ चीजें, काफी कुछ, राइट। तो नेचर ने जो स्ट्रक्चर जो बनाया है, जो हम लोगों का ढांचा बनाया है, वो इस तरीके से बनाया है कि उनका स्ट्रक्चर के हिसाब से फंक्शन होता है,
राइट। जैसे एपिडर्मिस की बात करें, बहुत सारी चीजें डिस्कस करने के लिए, एपिडर्मिस की बात करें, एपिडर्मिस कहाँ होता है, टर्मिनोलॉजी को क्रैक कीजिएगा। एपी मतलब, डर्मिस मतलब, तो दीवार जैसे स्ट्रक्चर नहीं हो जाते हैं, आउटर मोस्ट है, दीवार है, वॉल लेयर्स में आते हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो भी वॉल का काम करते हैं, लेयर्स है ना बेसिकली, आउटर मोस्ट। प्लांट्स की बात करें उधर भी आ रहे हैं, तो जहां वॉल का क्या काम है, दीवार का क्या काम होता है प्रैक्टिकली, प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट करना ना। तो इसी तरीके से लेयर्स, आउटर मोस्ट लेयर है तो क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन, स्ट्रक्चर के हिसाब से फंक्शंस हो रहे हैं पूरी बॉडी में, पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म में। कुदरत इतनी स्ट्रांग है, नेचर इतनी स्ट्रांग है कि चीज को बनाया ही इस तरीके से। जैसे रेड ब्लड कॉर्पस्किल्स, रेड ब्लड सेल्स की अगर बात करें तो उनका एक स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस तो नहीं होता है ना, अगर हम मैमल्स की बात करें तो, क्लियर है ना, न्यूक्लियस तो नहीं होता है। हमको ये पता है कि भाई हर सेल में जो है वो न्यूक्लियस होता है, लेकिन आरबीसी में ऐसा क्या हुआ, मैच्योर आरबीसी में कि न्यूक्लियस नहीं होता है? क्यों नेचर ने उसको ऐसा बनाया, क्यों नेचर ने हमको ऐसे हाथ दिए, फाइव फिंगर्स दी है, ऐसा क्यों है? तो स्ट्रक्चर और फंक्शन को कॉरिलेट कीजिएगा, कॉमन सेंस। हर वीडियो में मैं बोल रही हूं, कॉमन सेंस से क्वेश्चंस हो जाएंगे। आगे बढ़े, सो आई होप आप लोगों ने अंदाजा लगा लिया है कि पिलस का क्या काम है, पिम्बरी का क्या काम है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में क्या डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस आप लोग देख लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे बैक्टीरियल एंडोस्पोर, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे, काफी डिस्कशन हो गए थे। एक जनरल स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ना बैक्टीरियल एंडोस्पोर का, ओके। सो एंडोस्पोर का क्या फंक्शन है, रिकॉल करिएगा, क्यों है ये बैक्टीरिया में क्यों पाए जाते हैं, क्या कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म और भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ये एंडोस्पोर्स पाए जा रहे हैं? क्या आपने एक्सोस्पोर्स का नाम सुना है? क्या डिफरेंस होता है एक्सोस्पोर में और एंडोस्पोर में? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगेन, एंडोस्पोर और एक्सोस्पोर के बीच में डिफरेंसेस देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आपका आज का टास्क है, दो तीन टास्क में आप लोगों को साथ साथ दे रही हूँ। एंडोस्पोर तो है ही है, और एक और जो है टर्म वो है एक्सोस्पोर, इनके बीच में जो डिफरेंसेस है वो आप देखेंगे, ओके, एंडोस्पोर और एक्सोस्पोर के बीच में, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि एक बैक्टीरिया का एंडोस्पोर है, देखिए एक्सोस्पोरियम एक वर्ड आ रहा है, तो डिफरेंसेस आप लोग देखेंगे। सो बैक्टीरिया का एंडोस्पोर का क्या स्ट्रक्चर है, सबसे आउटर मोस्ट जो है एक्सोस्पोरियम आ रहा है, उसके नीचे स्पोर कोट आ रही है, फिर कॉर्टेक्स आ रहा है, और सबसे अंदर में कोर आ रहा है। तो नाम से पता लग रहा है ना, कोर मतलब सबसे अंदर जो चीज होगी वो कोर ही होगी। तो ये हम चीज डिस्कस कर चुके थे, आगे हम लोग बढ़ेंगे, आज थोड़ा सा थोड़े से एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट्स कवर अप करेंगे, और फिर धीरे 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 बैक्टीरिया को लेते 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 और भी जो ऑर्गेनिजम्स है माइक्रोबायोलॉजी में वो भी कवर अप करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग जाने वाले हैं ये लेक्चर्स, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स अभी आने वाले हैं। और जो क्वेश्चंस हैं, अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस पार्ट सी में जो है बन के आते हैं, वो भी साथ साथ डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट्स हम लोगों को क्लियर होते जाएंगे, राइट। सो प्रीवियस स्लाइड्स में हम लोगों ने क्वेश्चन किया था डेसिमल रिडक्शन पॉइंट से रिलेटेड, डबलिंग टाइम और जनरेशन टाइम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बन के आ रहे हैं, तो इन्हीं माइक्रोबायोलॉजी में ही वो सब कवर अप होने वाला है, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते, आगे बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड से पहुंचते हैं। यहां पे जो दिया हुआ आप देख के बता सकते हैं कि ये क्या चीजें, क्या चीजें बताइए, सोचिए, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, राइट। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, कितनी प्यार, मतलब ब्यूटीफुल इमेजेस, नो, कैसे स्टेन किया गया है स्पोर्स को, तो इस तरीके ये कैसे दिख रहे हैं, ये रेड और ग्रीन ही क्यों दिख रहे हैं, ये ब्लैक क्यों नहीं दिख रहे हैं मेरे को, ब्लू क्यों नहीं दिख रहे हैं मेरे को, ओके। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा, आज हम जो कर लेते हैं यहां से कंटिन्यूएशन में रखते हैं, क्योंकि हमने पहले लेक्चर में यहीं पे एंड किया था, तो जान लेते हैं कि क्या क्या है
तो यहाँ पे एक रिसर्च पेपर है जो पब्लिश हुआ 2005 में, जर्नल आप देख लीजिएगा, बैक्टीरियोलॉजी है इसका। लेटेस्ट जो जर्नल्स है, लेटेस्ट जो रिसर्च रिसर्चेस चल रहे हैं कोरोना वायरस से, क्या आप वो अपडेटेड जर्नल्स के आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं? माइक्रोबायोलॉजी के ही देख लीजिएगा, वायरसेस के ऊपर देखिएगा उसको, कौन सी बेस्ट जो जर्नल्स है उसमें देखिएगा कि क्या क्या रिसर्चेस चल रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस जनरल नॉलेज बेस्ड भी आते हैं, मैं आपको बता दूं, तो प्लीज अपनी नॉलेज जो है वो अपडेटेड रखिएगा। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पे आपको जो है वो स्ट्रक्चर दिख रहा है जो एक पेपर पब्लिश किया है कुछ साइंटिस्ट लोगों ने। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म का है, पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और साइटोप्लाज्म के अंदर सिर्फ सेल ऑर्गेनल्स नहीं आ रहे हैं, हटके भी कुछ चीज है जिनको इंक्लूजन बॉडीज बोला जाता है। साइटोप्लाज्म के अंदर और भी स्ट्रक्चर्स है जिनका और भी रेलेवेंस है, इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, तो वो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन यहाँ पे होगा। ओके, तो मैं आपको उनके इन इंक्लूजन बॉडीज के फंक्शंस बताने वाली हूं, क्योंकि हो सकता है पार्ट ए में एक दो क्वेश्चंस बन के आ जाए, आए हुए इनके फंक्शंस जो है वो इंपॉर्टेंट है, साथ साथ मैं आपको वो बता रही हूँ, तो वो ध्यान रखिएगा इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। पार्ट ए रिलेटेड बेस्ड टॉपिक है ये थोड़ा बहुत, राइट। सो यहाँ पे मार्क कर लेते दोबारा से, यहाँ पे हमको क्या क्या चीजें दिख रही है, देखिए एम दिया हुआ है, ये उन्होंने इस तरीके से एक तरीके से मार्किंग की जाती है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वगैरह होता है, यहाँ पे माइक्रोस्कोप के अंदर में देखिए देखा गया है और लेबल कर दिया गया है इसको। सो कैपिटल एम है यहाँ पे, कैपिटल पी है, पीएच बी है, तो कैपिटल एम क्या है, मैग्नेटोजोम्स, यहाँ पे देखिएगा मैग्नेटोजोम है, और पीएच बी क्या है, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट ग्रैन्यूल्स है, तो दाने दाने जैसे व्हाइट पैचेस, दाने दाने जैसे स्ट्रक्चर्स दिखते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और इनको नाम इनको बोला जाता है इंक्लूजन बॉडीज। ओके, पी से है पॉलीफॉस्फेट ग्लोब्यूल्स या फिर ग्रैन्यूल्स। सो ग्लोब्यूल्स या ग्रैन्यूल्स नाम से क्या पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है नाम से, ग्लोब्यूल्स या ग्रैन्यूल्स, धब्बे धब्बे जैसे स्ट्रक्चर्स, राइट, धब्बे धब्बे जैसे स्ट्रक्चर्स, तो ये देखे गए हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, देखा इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स बेसिकली दिया, अनस्टेन्ड है देखिएगा, हम लोगों को पता है कि भाई ऑब्जर्व करना होता है बैक्टीरिया सेल्स को तो स्टेन किया जाता है, अब यहाँ पे कौन सा माइक्रोस्कोप यूज किया गया होगा कि ये अनस्टेन्ड है, स्टेनिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी, फिर भी हम लोगों को दिख गए हैं स्ट्रक्चर, फिर भी दिख गए हैं बैक्टीरिया को, ऐसा कौन सा माइक्रोस्कोप यूज हुआ है, सो थिंक एंड थिंक और थिंक, बस सोचिएगा सोचिएगा सोचिएगा, सारा इंटेलिजेंस सोचने में लगाना है, बहुत कुछ ऑब्जर्व करना है और सोचना है और उसके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं, नॉलेज बढ़ानी है, मेन उद्देश्य है जो हमारा मेन एम है वो नॉलेज बढ़ानी है। चलिए तो इंक्लूजन बॉडीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, आज का जो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, टॉपिक ऑफ जो कवरेज है बेसिकली जो कवर करने वाले वो इंक्लूजन बॉडीज है। तो हमें पता है भाई साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है, बैक्टीरियल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, राइट, तैर तो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये रही भाई सेल, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म है ऐसे तैर रहे राइट, लिक्विड है ये तैर रहे, और इनमें अगर देखे तो कुछ इंक्लूजन बॉडीज पाई जाती है, इंक्लूजन बॉडीज जिनके अलग अलग फंक्शंस है, जिनके अलग अलग फंक्शंस है और इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। तो इंक्लूजन बॉडीज में क्या क्या आ रहे हैं, इंक्लूजन बॉडीज की अगर बात करें तो क्या क्या आ रहा है, एक हो गया है ग्लाइकोजन, इनके फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोजन, कार्बोक्सीजोम्स, कार्बोक्सीजोम्स, फिर है पीएचपीज जिनको बोलेंगे पॉली
हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट ग्रैन्यूल्स और ग्लोब्यूल्स, राइट। फिर है साइनो पाइसिन ग्रैन्यूल्स और है पॉली फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, ठीक है। सो ग्रैन्यूल्स का क्या मतलब है यहाँ पे, ग्रैन्यूल्स का क्या मतलब है, दो चीजें और हैं यहाँ पे, दो गैस वेसिकल्स और एक और है जो है एम से जिसको डिनोट यहाँ पे किया गया है मैग्नेटोसोम्स। सो ग्रैन्यूल्स मतलब धब्बे धब्बे से ना, डॉट डॉट जैसे स्ट्रक्चर, ग्लोब्यूल्स ग्रैन्यूल्स वगैरह। तो इनके जो है इनके फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, तो फंक्शंस आप याद रखिएगा, इनके नोट कर लीजिए, ठीक है। तो फंक्शंस डिस्कस कर लेते हैं, चलिए करते हैं। सो ग्लाइकोजन पहला जो आ रहा है इंक्लूजन बॉडीज, ग्लाइकोजन आ रहा है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं ग्लाइकोजन क्या है बेसिकली, क्या आप मुझे बता सकते हैं ग्लाइकोजन क्या है, बता सकते हैं आप मुझे ग्लाइकोजन क्या है? पॉलीमर होता है ग्लूकोज का, राइट। ग्लूकोज से तो मिलके बना हुआ है। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, रिपीट बायोकेमिस्ट्री में आएगा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिएगा, अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन ग्लाइकोजन सेलुलोज स्ट्रक्चर्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बॉन्डिंग बेसिकली देखना। सो ग्लाइकोजन मतलब ग्लूकोज से मिलके बना होता है, तो एनर्जी रिजर्व का ही तो काम करता है ग्लूकोज, ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में भी, इसी तरीके से बैक्टीरिया में भी एनर्जी रिजर्व का काम करते हैं। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो क्या हम इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या हम ग्लाइकोजन को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं लेबोरेटरी में, कौन से रंग के आने वाले, कौन सा टेस्ट होगा? बचपन में पढ़ा था एक टेस्ट, ग्लूकोज को डिटेक्ट करने के लिए एक टेस्ट किया करते थे, कौन सा होता है वो टेस्ट, आयोडीन टेस्ट का। आप आई होप आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत ही जनरल सा, बड़ा बच्चे बहुत मजे लेते हैं इस टेस्ट को करने में, स्टार्च टेस्ट करते हैं ना आयोडीन की हेल्प से। तो इसी तरीके से ग्लाइकोजन को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं इवन इन बैक्टीरियल सेल। ओके क्लियर है, बिल्कुल छोटा सा फंक्शन है, नॉर्मल है, कॉमन सेंस। नेक्स्ट जो आ रहा है, नेक्स्ट इंक्लूजन बॉडी जो आ रही है वो है कार्बोक्सीजोम। अब भाई कार्बोक्सीजोम का क्या फंक्शन है, कार्बोक्सीजोम्स जो होते हैं वो CO2 फिक्सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि प्लांट्स में कैसे हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बॉटनी का, फिजियोलॉजी का बेसिकली। तो CO2 फिक्सेशन होता, पूरी साइकिल पढ़ी जाएगी, C3 साइकिल, C4 साइकिल, C2 साइकिल, सारी साइकिल, उनके बीच में डिफरेंसेस, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजियोलॉजी का। तो रूबिस्को एक एंजाइम होता है जो पार्टिसिपेट करता है CO2 फिक्सेशन में, तो कौन सा एंजाइम है रूबिस्को, रूबिस्को जिसका नाम है राइबुलोज 1,5-bisphosphate कार्बोक्सीलेज, ओके। रूबिस्को एंजाइम जो है वो CO2 फिक्सेशन में हेल्प करता है बैक्टीरिया सेल के भी अंदर, राइबुलोज 1,5-bisphosphate कार्बोक्सीलेज, ये उसका नाम है, ये उसका नाम है। क्लियर है फंक्शन, क्लियर, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आ रहा है वो आ रहा है पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट ग्रैन्यूल्स, तो ये भी देखे जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, तो ये भी बेसिकली एनर्जी रिजर्व का काम करते हैं और न्यूट्रिएंट्स इनमें होते हैं, न्यूट्रिएंट्स। मान लिया कभी कभी बैक्टीरिया जो है सर्वाइव नहीं कर पाते, जो स्टार्व कर दे उसको, कुछ हम लोग छेड़खानी करते बैक्टीरिया के साथ, राइट
लेकिन कुछ बैक्टीरिया इतने स्मार्ट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आजकल बहुत ही स्मार्ट हो रहे हैं, वो रेजिस्टेंस होते जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ वो स्ट्रक्चर्स कुछ चीजों की वजह से तो रेजिस्टेंस हो रहा है ना। तो इसी तरीके से जो ग्रैन्यूल्स है ये एनर्जी रिजर्व न्यूट्रिएंट रिजर्व्स का काम करते हैं। बेसिकली जो होता है न्यूट्रिएंट रिजर्व्स होते हैं वो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन रिजर्व N2 न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनमें, और मेनली कार्बन रिजर्व्स। तो क्योंकि रिजर्व्स है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी उपलब्ध है, अवेलेबल है, तो रेजिस्टेंस में क्या हम लोग इसको कॉरिलेट कर सकते हैं ग्रैन्यूल्स को कि भाई ये रेजिस्टेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस तरीके की बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाएंगे बिना ऑक्सीजन के? सोचिए कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर जाते हैं नेचर में? फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट एनरोब्स के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या एग्जाम्पल्स हैं इनके बताइए। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट जो ग्रैन्यूल्स आ रहे हैं उनको बोलते हैं साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स। साइनो जो कलर होता है, कौन सा कलर होता है बेसिकली बताइए। तो नाम से पता लग रहा है ये वाले किस में पाए जाएंगे, ये वाले ग्रैन्यूल्स किस में पाए जाएंगे? नाम से पता लग रहा है साइनो का मतलब ये जो कलर होता है कौन सा कलर होता है पहले तो आप ये बताइएगा। तो नाम से कॉरिलेट करे तो ये साइनोबैक्टीरिया में ही पाए जाते हैं। क्यों इनको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है? तो ये जो ग्रैन्यूल्स होते हैं इनमें बेसिकली जो होती है अमीनो एसिड्स रिच होते हैं, दो अमीनो एसिड्स होती है इनमें जो होती है राइट, एक होता है आर्जिनिन, एक होता है स्पार्टिक एसिड। सो अमीनो एसिड्स रिच होते हैं, ये बेसिकली पेप्टाइड्स है, क्लियर? क्लियर, लिख देते हैं चलिए यहां पे साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स कौन से कलर के होंगे, कौन से बैक्टीरिया में पाए जाएंगे, क्यों इनको यही नाम दिया हुआ है, कौन सी इनमें अमीनो एसिड्स होती है राइट। सो इनमें होती है, यहां मैं लिख देती हूं आर्जिनिन कौन सा एसिड है, बेसिक है, न्यूट्रल है कि एसिडिक है, और दूसरा है यहां पे एस्पार्टिक एसिड। तो इनमें ये रिच होते हैं साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स, इतना ध्यान रखिए राइट। तो तीन और है, पॉलीफॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, गैस वेसिकल्स और मैग्नेटोसोम्स। तो चलिए यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे तो साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स के बारे में हम लोगों ने जान लिया, तीन और है यहां पे जो है पॉलीफॉस्फेट ग्रैन्यूल्स राइट, नेक्स्ट है गैस वेसिकल्स और लास्ट है मैग्नेटोसोम, ये तीन और है ओके। तो पॉलीफॉस्फेट ग्रैन्यूल्स का क्या काम है? पॉलीफॉस्फेट ग्रैन्यूल्स जो है ये भी दाने दाने जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इनकी स्पेशलिटी ये होती है ये कलर हो जाते हैं। इनमें अगर डाई डाल दे, बेसिकली बेसिक डाई डाल दे राइट, तो कलर दिखते हैं या तो लाल दिखेंगे या ब्लू दिखेंगे, और उस प्रोसेस को मेटाक्रोमैटिक इफेक्ट बोलते हैं ठीक। तो क्या खूबी है मेटाक्रोमैटिक इफेक्ट दिखाते हैं, बेसिक डाइज जैसे अगर डाल दे जैसे मिथिलिन ब्लू और टॉल्यूडीन
ब्लू, तो ये इनका जो रंग है वो आइदर रेड और ब्लू कलर के ये अपियर होते हैं, मतलब स्टेन होने की क्षमता होती है इनमें, और उस प्रोसेस को मेटाक्रोमैटिक इफेक्ट बोलते हैं. ओके, क्लियर. नेक्स्ट जो दो चीजें आ रही है, एक है गैस वेसिकल, एक है मैग्नेटोसोम. तो गैस वेसिकल का क्या काम है, लेट्स से मार्क कर देते. गैस वेसिकल्स का क्या काम है, इनमें हवा भरी होती है, एयर भरी होती है, तो गैसेस का आदान प्रदान होता है, गैसेस जो है इधर उधर होती है, तो कॉमन सेंस वाली बातें हैं, ठीक है. तो गैसेस आदान प्रदान होगी, कोई चीज फूली फूली है तो लॉ लगाइएगा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होना चाहिए इनका, बुएंसी. बुएंसी कहां पे काम आएंगे, तैरने में काम आएंगे ना, एक्वेटिक. तो ये वाले गैस वेसिकल्स जो होते हैं वो मोटाइल बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, एक्वेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, बुएंसी प्रोवाइड करते हैं, फूले फूले होते हैं तो तैरने में मदद करते हैं. गैस वेसिकल्स नाम से पता लगा उनका ये काम होता है ना, वेसिकल्स होते हैं, हवा हवा भरी होती है, राइट. नेक्स्ट जो लास्ट आ रहा है वो है मैग्नेटोसोम्स. ये थोड़ा सा मैंने कॉन्सेप्ट पहले भी आप लोगों को बताया था, मैग्नेटोसोम्स जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर लेते हैं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर लेते हैं, मतलब जैसे जैसे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो ऐसे ऐसे एक्सिस जा रही हो वैसे ही टिल्ट हो जाएंगे, उनका डायरेक्शन उसी तरीके से हो जाएगा. इमेजिन कीजिएगा इस तरीके के बैक्टीरिया होते हैं. तो दो इंपॉर्टेंट है इनमें, दो चीजें आ रही है इसमें, एक होता है Fe3O4 और एक होता है Fe3S4. मतलब इनमें क्रिस्टल्स होते हैं, बेसिकली क्रिस्टल्स किस किस के होते हैं, मैग्नेटाइट के होते हैं और ग्रीगाइट के होते हैं, राइट. मैग्नेटाइट और ग्रीगाइट, तो ये हेल्प करते हैं, किसमें हेल्प करते हैं, डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए. इमेजिन कीजिएगा कि बैक्टीरिया में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो तैरने में मदद कर रही है इसकी वजह से, जो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर रही है इसकी वजह से. क्या हम, क्या इसका कुछ फ्यूचर हो सकता है, क्या कुछ रिसर्चेस चल रहे हैं इससे रिलेटेड, क्या इसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं कहीं पे आगे जाके, या फिर कुछ चल रहा है, सोचिए. तो आज हम लोगों का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन था वो इंक्लूजन बॉडीज था. बहुत सारी चीजें हम लोगों ने जान ली है, इंपॉर्टेंट फंक्शंस हम लोगों ने जान लिए हैं. आगे जाके हम लोग और डिटेल में और बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, जैसे मेथडोलॉजी, किस तरीके से बैक्टीरिया को देखा जाता है. तो यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल सी स्लाइड्स देख रहे हैं, ये क्या है, लेबोरेटरी में कुछ किया गया है ना, क्या है, किस चीज की कॉलोनी है, किस चीज में लिया हुआ है, कौन सा मेथड है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आगे आने वाली हैं. तो आज का लेक्चर यहीं रखते हैं, फिर बाद में हम लोग और आगे बढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स पे भी फोकस करेंगे. थैंक यू सो मच.